आपने मैकडॉनल्ड के बाहर बैठे चेयर पे इस जोकर के स्टैचू को तो देखा ही होगा। लोगों को इस स्टैचू के साथ फोटो खिंचवाना बहुत पसंद है। लेकिन क्या ये सच में एक स्टैचू है? फाइनली मेरे को यहाँ पे जॉब मिल चुकी। लोगों को भी आलू खिलाऊंगा, खुद भी खाऊंगा। अरे अरे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी इस रेस्टोरेंट के अंदर जॉब लगी है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू बता पहले। मेरी भी नौकरी लगी है यहाँ पे, मेरे को आलू बनाने का काम दिया है। कौन पागल है जिसने तेरे को नौकरी पे रख लिया? अरे यार, तो ना हमको ना जल्दी से ना यहाँ के मैनेजर के साथ बात करनी है। अबे ये कौन है? आइए आइए, किससे मिलना आपने? देखिए, ज्यादा तहकीकात मत करिए, जल्दी से मैनेजर को बुलाओ। अरे मैं ही मैनेजर हूँ, क्या होगा तुमको? है तेरे को किसी ने मैनेजर बनाया? ये कैसे अनेक डाल रखे, बीच में से जुड़ी नहीं हुई? ये कि दो अलग अलग अनेक डाल रखी है, आधी आधी। तो तुम दोनों हो जिसको यहाँ पे नौकरी पे रखना है ना मैंने? चलो यहाँ पे काम पे लगो, जा रहा हूँ। अरे कुछ बता के तो जा, करना क्या? अरे बिल्कुल अजीब ही बंदा। चलो रेस्टोरेंट हमारे नाम हो गया। अरे भाग के, अरे सामने वाले मैकडोनल्ड पे भाग के जा रहे हैं, वो तो गद्दारी कर रहे हैं। अबे चल, हमें क्या, हमको जो काम मिले ना हम वो करते हैं। चला जल्दी से काउंटर पे चलके बैठते हैं। ये कहाँ शर्मे की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ पता नहीं कौन है ये तुम्हारा जोर जोर से। भाई पप्पू, दो प्लेट अचार लेकर आ। है कोई कस्टमर बैठा हुआ है? हमको पता ही नहीं। अरे यहाँ पे देख, कोई कस्टमर बैठा हुआ है, चला जल्दी से इनसे ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर दे तो दिया मैंने, दो प्लेट खट्टा अचार लेकर आओ। अरे सर वो हमारे पास नहीं मिलता, कुछ और चाहिए तो बताओ। अबे तुषार, तू यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे तुषार, मैंने तेरे को कहा था आज साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं, तू मेरे को बोल रहा था तेरे को काम है। अरे नहीं, कौन सा काम? अरे इनको भी खिलाना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमारी ना यहाँ पे जॉब लगी है। अरे यार जल्दी खा ले, तो कहीं ये लोग मांग ना ले। अबे ये क्या हो रहा है? अबे तू क्यों खा रहा है? अरे हमने लोगों को खिलाना है, तू खुद ही खा रहे है। पहले पेट पूजा। चल पहले तुषार का बिल काट जल्दी से। है कहाँ गया? अरे भाग गया वो। कोई बात नहीं, इसे तो हमने बहुत सारा हिसाब चुकता करना है। तो एक बार ना आप रेस्टोरेंट देख लो, ये हमारा किचन एरिया जहाँ पे हम खाना बना सकते हैं, ये हमारा रेस्ट रूम है। अगर हम थक गए तो यहाँ पे बैठेंगे। मैं तो सारा दिन यहीं पे बैठ गया। और यहाँ पे पीछे हमारा ड्राइव थ्रू है, अगर कोई कार में आएगा ना तो वो यहाँ से खाना लेके जा सकता है। मेरा काम क्या है? तू खाना बनाएगा, मैं काउंटर पे बैठूंगा, तू सारा काम करेगा, ठीक है? लेकिन मेरे को तो कुछ बनाना नहीं आता, ये एक पिज्जा बना ले, खाओगे? अरे तू पिज्जा भी बना लेता है, क्या डाला तूने इसके अंदर? ये आलू के आटे से और उसके ऊपर आलू की चटनी, फिर थोड़े कटे हुए आलू और फिर आलू वाली चीज डाल के ये पिज्जा बनाया मैंने। अरे यार इसको पिज्जा नहीं बोलेंगे, अरे कोई कस्टमर। अरे भिंडी। कौन भिंडी? ये मेरी बहन है। तेरा एक भाई भी तो है, गोभी, आलू गोभी, ये क्या आलू भिंडी? अरे ये अजीब लोग है, कैसी फैमिली है? हाँ भिंडी बोल, क्या चाहिए तेरे को? कुछ नहीं, वो तो मम्मी कह रही थी आते वक्त में धनिया को स्कूल से ले आना है, और मेरी ना उसने जोकर के साथ एक फोटो खींची, तो प्लीज मैं ना सबको दिखाऊंगी। ओए मेरे को जोकर कैसे बोला तूने? अरे नहीं नहीं, जो जोकर वहाँ बाहर बैठा हुआ है, ये देखो ये वाला, इसके साथ। ये पहले यहाँ पे तो था नहीं जब हम आए। था तो यहाँ पे क्या, अंधे हो क्या? अरे यार नहीं था। खैर जाने दो, मेरे को उससे क्या लेना। चल भिंडी स्माइल कर। अरे मत कर स्माइल, लोग डर जाएंगे। खैर मेरे को उससे क्या, तो मैं तो अंदर जा रहा हूँ काउंटर पे, जब हो जाए ना। अरे ये पिज्जा किसका रेडी हो रखा है? ये ले भिंडी, तेरे लिए पिज्जा बनाया, ले जा घर पे। मैं भी सोच रहा हूँ एक पिज्जा बना के ना ट्राई करके देखो कि कैसा बनता मेरे से पिज्जा। मैं सिखाऊँ पिज्जा बनाना, आलू की भुर्जी नहीं बनानी, भाग यहाँ से। तुषार को भी फोन करके बुला लेते हैं, यहाँ पे पार्टी करेंगे। मैनेजर को पता चल गया ना तू भी? अरे ये क्या, तुषार का फोन? अरे ये तो मैनेजर का फोन। क्या मैनेजर को बता भी दिया क्या फोन कर रहा है? हेलो हेलो, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो लोग यहाँ पे रात की शिफ्ट लगाते थे ना, वो भाग गए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसलिए ना रात की शिफ्ट भी तुम दोनों ने लगानी है। ये क्या मतलब है कि रात वाले लोग भाग गए, अब हमने रात को भी यहाँ पे शिफ्ट लगानी है? क्या हो गया क्या हो गया? कुछ नहीं, डबल काम करना पड़ेगा यहाँ पे, दिन में भी काम करो और सारी रात भी हमको यहीं पे रहना है आज। चलो फिर तो तुषार को बुला लेते हैं। बैठे बैठे रात होगी, एक भी कस्टमर नहीं आया अभी तक, क्या घटिया से रेस्टोरेंट में लग गए हम यहाँ पे। कितनी शांति। हाँ और देख सामने चांद भी दिख रहा है। अरे तूने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? क्या ऊपर अभी भी कस्टमर बैठे हैं? लेकिन नहीं, कोई आया तो है नहीं, फिर ये कैसी आवाज है? अगर कोई कस्टमर आता तो पहले नीचे आता हमारे पास, उसके बाद ऊपर आता ना, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी? अरे ऐसे कोई बच्चे हंस रहे होंगे बाहर। बच्चे इतनी गंदे तरीके से तो नहीं हंसते। क्या जाने दो हमें, क्या नींद आ रही है मेरे को तो। मैनेजर ने देख लिया ना कि हम यहाँ पे सो रहे, तो पीटेगा भी पकड़ के, चला जल्दी से काउंटर पे बैठा के। मैंने तुषार को फोन कर दिया, वो यहाँ पे आता ही होगा। अबे क्यों बुलाया उसको, दिमाग खाएगा ऐसे आके यहाँ पे। एक बार ना पीछे चेक कर लेते हूँ कहीं कोई कस्टमर कार लेकर ना आयो। नहीं यहाँ पे तो कोई नहीं है, और सामने सूरज भी डूब रहा है। अरे वो क्या, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? अरे वो क्या था सामने?
अरे वहाँ पे कोई घोड़ा है, बहुत ही गंदी शक्ल है उसकी। अरे पकड़ो इसको पकड़ो। है ये क्या, वो कोई कस्टमर था जिसको खाना चाहिए? नहीं वो तो बहुत ही अजीब सी शक्ल थी उसकी, ज़ॉम्बी जैसी। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया? खाली। अरे वो अभी तो यहाँ पे था, इतनी तेज कैसे भाग रहा है? अरे लगता है उसको भूख लगी है और वो मेरा आलू वाला पिज्जा खाना चाहता है। पेट थोड़ी खराब करवाना भूत ने, भूत भी डरते तेरे पिज्जे से। अरे कोई आया पीछे वाली जगह? अभी आया सर, एक सेकंड दीजिए बस। हाँ जी बोल। यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ये तो वही है, वो गंदी शक्ल वाला, जल्दी पकड़ इसको। अरे कहाँ गया? वो बाहर है रेस्टोरेंट के। अरे वो क्या खतरनाक है, जल्दी से पकड़ो इसको। नहीं नहीं वो हमको पकड़ लेगा। अरे लेकिन हम ऐसे थोड़ी उसको जाने देंगे, वो तो हमारे पीछे कर गया। मैनेजर को फोन करो। हाँ जल्दी से उसको बताओ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है और पुलिस को भी बुलाता है। अबे आलू पीछे हो जाए, मतलब बन गए उससे। नमस्ते। अबे तू बंदर। अरे वो मैं थोड़ा बोर हो रहा था तो सोचा किसी को पागल बना दूं। तेरे बोर होने के चक्कर में हमारी हालत टाइट हो गई थी। एक तो पहली अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं और ऊपर से तू डरा रहा है। वो आवाजें भी इसी ने निकाली होंगी। कौन सी आवाज? मैंने कोई आवाज नहीं निकाली, सच्ची बोल रहा हूँ। अरे फिर से? देखा बोला था ना मैं नहीं निकाल रहा। अरे इस बार तो पक्का ऊपर से आवाज आई है। पहले तो तूने बोल दिया था आलू की वहम होगा, लेकिन इस बार पक्का आई है ऊपर से आवाज। मैंने खुद सुना है। मैंने भी अपने तीन कानों से सुना है, जल्दी ऊपर चलो। अरे यहाँ पे तो फिर से कोई नहीं है, ये शरारती बच्चे होते हैं, इनको पकड़ के पीटना पड़ेगा किसी दिन। अरे नहीं यार, आधी रात को बच्चे ऐसे मजाक थोड़ी ना करेंगे। नहीं है कोई दूर दूर तक, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अरे ऐसी टेंशन लेनी बंद करो, हम पता क्या करते हैं, हमारा रेस्टोरेंट है, सारा खाना खा जाते हैं। ध्यान रखियो टॉयलेट नहीं है रेस्टोरेंट में। देखो ये फालतू की बातें मत करो, आज पहला दिन है नौकरी का और हमने चाहते कि नौकरी से बाहर निकल जाए। अरे ये कौन है आधी रात को पिज्जा खा रहा है? कौन? अरे ये क्या, ये स्टैचू बाहर नहीं रखी हुई थी टेबल पे? नहीं यहीं पे तो थी, क्या हो गया? फोटो खींचना मेरी है किसके साथ, क्या खतरनाक लग रहा है। अरे दो दूजे ऊपर। अरे लेकिन ये स्टैचू तो बाहर थी, ये अंदर कैसे आई अपने टेढ़ा बोन करके। अरे तुम दोनों पागल, कितनी आराम से फोटो खिंचा रही हो। लोग पहचान नहीं पाएंगे असली जोकर कौन से। अभी बाहर की तेरे को जोकर बना दूंगा, फोटो भेज जल्दी से मेरे को। अरे यार तुम दोनों पागल हो चुके हो, इधर आ जाओ जल्दी से इधर। अरे उससे दूर हो जा, इधर आ। बोलो क्या हो गया? जल्दी से ना मैनेजर को फोन लगा। अरे वो सो रहा होगा। अबे कोई बात नहीं, सो रहा होगा तो उसको फोन लगा जल्दी से, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पंगा पड़ गया। अरे मेरा रिचार्ज खत्म कर दोगे तुम? तेरे को रिचार्ज की पड़ी है, फोन कर। कह रहे हैं आपने जिस व्यक्ति को फोन किया वो सो रहा है घोड़े बेच के। हेलो मैनेजर, यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर जो वो जोकर की स्टैचू है ना, वो इधर से उधर हिल रही है। अरे जल्दी भागो वहाँ से। भागो वहाँ से क्यों? भागना क्यों? आप आके जल्दी से देखो ना ये स्टैचू को क्या हुआ है। अरे उसको छोड़ो, भागो वहाँ से, भागो। लेकिन क्यों भागे? हमारे रेस्टोरेंट में तो ऐसी कोई स्टैचू ही नहीं है। क्या हमारे पास ऐसे कोई स्टैचू ही नहीं है? तो इतनी देर से हम जिसको देख रहे हो क्या? अरे भाई सीरीज का पार्ट टू जल्दी अपलोड होगा, लेकिन उससे पहले तुषार और आलू ने अपना अपना कार का शोरूम खोला। पूरी वीडियो तुषार के चैनल पे देख सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।